खेत मजदूर यूनियन ते होर आगुआं सने थाने दा घराव कर रहे पिंड दे लोक। ये लोग रोस जाहिर करते हुए दोषियों नूं तुरंत गिरफ्तार करन दी मंग कर रहे ने। तस्वीर च विखाई दे रहा यह उही नौजवान है जिस नाल रंजिश दे चलदियां पंज व्यक्तियां ने शराब दे नशे च उस दे अजिहे गुप्त ते नाजुक अंग नूं बुरी तरह जख्मी किया कि उस नौजवान ने दम तोड़ दिता। मामला अमृतसर के थाना लोपोके अधीन पेंदे पिंड सारंगड़ा दा जिथे 32 साल के संदीप सिंह उर्फ साबा अते बिक्रमजीत सिंह बीके विचाले तकरीबन एक महीना पहला किसी गल नूं लैके झगड़ा हो गया सी, जिसकी रंजिश बीके दे मन च सी। उस रड़क नूं कढ़न दे लई उसने अपने चार होर साथियों नाल मिल शराब के नशे च संदीप उर्फ साबा नाल जो कुछ किया उस नाल संदीप ने दम तोड़ दिता, जिस करके दोषी पुलिस के काबू ना आने पर पिंड वालों वालों थाने का घेराव करके रोस जाहिर किया गया। नौजवान बंदे का कतल करता गया और वो कातल जिहड़े हुए कतल करने तो बाद बच गए, जिन्होंने पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए। तैयार इतने मांग यह है कि उन्होंने फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इस मुंडे साबे जिन्होंने कतल होया उन्होंने इंसाफ मिल सके। जेकर पुलिस प्रशासन ने इन कातलों को गिरफ्तार ना किया तो यह संघर्ष लगातार जारी, क्योंकि अजे तक डेड बॉडी भी नहीं आई दिख रहे हैं। पोस्टमार्टम तो बाद जो डेड बॉडी आऊगी परिवार के मैंबर है उन्हें सारे ने सलाह करके अगला प्रोग्राम जरा दिता जाऊगा, जिसे कुछ भी हो सकता रात का धरना जारी रह सकता। ये उन्होंने परिवारक मैंबर ने जिन्होंने वो पोस्टमार्टम देखे है उन्होंने आने से फैसला कर। बाबा जी गल कोई सत्त साढ़े सत्त बजे के दोवें भरा उत्थे गए ने अपने डेरे से माल डंगर चौंदे थे। ये कल चारे पंजे जाने नशियाना रजे ही शराब रूपी खांदा है ते रजे निकले आ ते इन्हां नूं किते आए आ माड़ा चंगा बोले आ इन्हां फिर इन्हां दे दातरा दूतरा नाल वार करन लै पे हथों पाई होए ते इहने व्याम सिंह ने इक को दातरा फड़िया ते विक्रम ने कढ़िया मुड़ के पिस्तौल कढ़िया ते गोली चलाती दूजे दे। कोई तुहाडी पुराणी रंजे सी कि जां उतरां कोई? नहीं नहीं पुराणी किते इदां ही थोड़ा जिहा ना नदीन नदून दा इहनां दा कोई पैसा धेला रहिंदा सी कोई कढ़दे कुढ़दे काम दे ओह ते पुछण ते उदों वी इहनां नूं किते धमके धुमके दिंदा सी वी गोली गाली मारन दे ते बाद च फिर धोखदी धोखदी इहनां दे उदन फिर इहनां दे हत्थ डेरे ते आण पए। जेल चो बाहर नहीं आने चाहिए बेनती है दातर खोले मर के सोटा सुटे नहाए जो सोटा ना अगे लागे मर के गोली चलाउन तो बाद उमर के भज गई। गोली किन्नू लगी? गोली सुरीर सिंह। ओ हुण किथे आ? हां जी दसो हस्पताल जी सुरीर सिंह दी डेथ हो गई है जी। अच्छा जी हां जी ते कोई पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं की? अजे नहीं की साहब जी। की मांग करदे जी तुसीं? आखण दे साहब जी देखो हुण इकट्ठे कीते की मांग की करदे जी तुसीं सरकार तों? मांग की करदे ते मांग ए होए साहब जी कि उहनां दुष्टां नूं जिहड़ी सजा दित्ती जावे। अच्छा जी सरकार इस संबंध च पुलिस का कहना है कि पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिता है
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस संबंध में पुलिस ने बिक्रमजीत सिंह बीके, रमनदीप सिंह, नवदीप सिंह, गुरलाल सिंह अते प्रताप सिंह विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 148, 149, 25 के अधीन मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी लई छापेमारी शुरू कर दिती है। दूजे पासे पीड़ित पक्ष का कहना है कि जे पुलिस ने दोषियों नूं गिरफ्तार ना किया तो जथेबंदी वालों वड्डा संघर्ष विढ़िया जाएगा। हकीकत टीवी पंजाबी लई अमृतसर तो हरजीत सिंह गरेवाल की रिपोर्ट। मेहनत मेरी रहमत खुदा दी मुसलमानी रूहानी अते काले इलम दे माहिर गुरु अकबर खान संपर्क करो 9877-17500 ते मेरे कीते नू मेरे तो अलावा कोई कट नहीं सकदा 100% गारंटी नाल हर परेशानी दा हल पाओ पति पत्नी विच झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा खुया प्यार वापस पौना तलाक केस विदेश विच पक्का होना गुप्त वशीकरण करवाओ मन चाह प्रेमी प्रेमिका अपने वस विच करो लाटरी नंबर पाओ 649 होवे चा लोटो मैक्स प्यार विच खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा गुरु अकबर खान 9877-17500 ते।